वेलकम टू कैंपस केयर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग डेमोस्ट्रेट करेंगे कि किस तरह से आप पीडीएफ आधार फाइल एंड पीडीएफ पैन फाइल को फोटोशॉप की हेल्प से क्रॉप करके पीवीसी कार्ड प्रिंटर पर जो है वो प्रिंट कर सकते हैं। बेसिकली हम रेकमेंड करते हैं कि आधार और पैन फाइल को प्रिंट करने के लिए आप पीडीएफ प्रिंटिंग सॉफ्टवेयर, प्री प्रिंटेड कार्ड और हाफ पैनल रिबन का यूज़ करें। बट इन केस अगर आपके पास पीडीएफ प्रिंटिंग सॉफ्टवेयर, हाफ पैनल रिबन और प्री प्रिंटेड कार्ड अवेलेबल नहीं है तो आप फोटोशॉप में अपनी आधार और पैन फाइल को क्रॉप करके प्लेन वाइट कार्ड के ऊपर फुल पैनल रिबन से भी प्रिंट कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग डेमोन्स्ट्रेट करेंगे आधार फाइल के लिए। सबसे पहले आप अपनी जो आधार फाइल है उसे फोटोशॉप में ओपन करिए। राइट क्लिक, ओपन विथ फोटोशॉप। फोटोशॉप का कोई भी वर्जन आप यूज़ कर सकते हैं, फोटोशॉप 7.2 वट एवर द लेटेस्ट वर्जन दैट इज़ अवेलेबल विथ यू। जैसा कि आप जानते हैं कि आधार फाइल यूजली पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, तो आपको यहाँ पर अपनी फाइल का जो है वो पासवर्ड मेंशन करना होगा। ओके। बेसिकली पीडीएफ फाइल से आधार को प्रिंट करने के लिए आपको दो स्टेप्स परफॉर्म करने हैं। स्टेप नंबर 1, आपको अपनी फाइल को क्रॉप करना है। स्टेप नंबर 2, उसे कार्ड साइज के अकॉर्डिंग रीसाइज करना है, दैट इज अकॉर्डिंग टू CR80। उसका डायमेंशन है 86 विथ 54 हाइट। तो सबसे पहले अपनी फाइल में से हम फ्रंट को क्रॉप करते हैं। फ्रंट को क्रॉप करने के लिए हम लोग मार्क्यू टूल का यूज करेंगे, रेक्टेंगुलर मार्क्यू। कंट्रोल एन। अब यहाँ पर आपको मिलीमीटर्स में आपके कार्ड साइज की डायमेंशन को मेंशन करना है, विथ 86 54। बेसिकली हम यहाँ पर एक न्यू फाइल क्रिएट कर रहे हैं जिसमें कि हम अपने कार्ड फ्रंट को जो है वो एडजस्ट करेंगे और उसी तरीके से देन हम रिपीट करेंगे कार्ड बैक के लिए। अब आधार फाइल में से आपने फ्रंट का पोर्शन जो सिलेक्ट किया था उसे कॉपी करिए Ctrl+C और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए Ctrl+V। अब क्रॉप करने के बाद आपको सेकंड जो करना है वो अपनी फाइल का रिसाइज करना है। उसके लिए हम प्रेस करेंगे Ctrl+T। जैसे ही आप Ctrl+T प्रेस करते हैं आपके पास यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स विजिबल हो जाएंगे कॉर्नर्स पर। तो इस तरह से आप ड्रैग करके अपने फाइल को बेस कैनवस साइज के साथ मैच करिए, यानी आपको एज टू एज कॉर्नर को जो है वो यहाँ पे मैच करना है जितना पोर्शन आप प्रिंट करना चाहते हैं। Ctrl+ से आप जूम कर सकते हैं। Ctrl- जूम आउट के लिए। उसके बाद आप डबल क्लिक कर दीजिए। अब आपकी फ्रंट फाइल जो है वो कार्ड साइज के अकॉर्डिंग रेडी है। हम लोग सेम इम्प्लीमेंट करेंगे फॉर द बैक ऑल्सो। ये जो हैंड का सिंबल है, बेसिकली जब आप स्पेस को प्रेस करके रखेंगे तो आप हैंड के सिंबल को देख पाएंगे और इस तरह से आप अपनी फाइल की जो है वो मूवमेंट कर सकते हैं। फाइल को रीसाइज करने के बाद डबल क्लिक। अब आपकी फ्रंट और बैक जो है वो कार्ड साइज के अकॉर्डिंग रेडी है। बट आपकी प्रिंटिंग को बेटर बनाने के लिए मैं यहाँ पर कुछ आपको टिप्स प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। सबसे पहले अगर आपके आधार कार्ड पे पिक्चर अंडर एक्सपोज्ड है तो आप उसका ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट जो है वो इन्हेंस कर सकते हैं। उसके लिए ओनली इमेज पोर्शन पर आप सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद गो टू इमेज, एडजस्टमेंट, ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट। अब बेसिकली यहाँ से आप अपने इमेज का ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट वैल्यू जो है वो चेंज कर सकते हैं जिससे कि आपको बेटर क्वालिटी ऑफ प्रिंट मिल सके। इस तरह से क्लिक ऑन द ओके।
इमेज की एडजस्टमेंट करने के बाद हम चाहते हैं कि हमारा रिमेनिंग कार्ड में भी प्रिंटिंग अच्छी होनी चाहिए। सो उसके लिए अब हम जो एरिया कार्ड में रह गया है हम उसकी कॉन्ट्रास्ट और ब्राइटनेस पर काम करेंगे। सो उसके लिए आप सिलेक्ट पर जाइए और इन्वर्स सिलेक्ट करिए। जैसे ही आप इन्वर्स सिलेक्ट करते हैं बेसिकली अब आपकी जो सिलेक्शन हुई है वो फ़ोटो को छोड़कर बाकी सारे कार्ड की हो चुकी है। तो सेम एज इस केस में भी आप इमेज पे जाइए, एडजस्टमेंट, ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट, अपने टेक्स्ट को या अपनी इमेज को जिस तरीके से भी आप एडजस्ट करना चाहते हैं आप एडजस्ट कर सकते हैं। क्लिक ऑन द ओके बटन, कंट्रोल डी। नाउ योर कार्ड फ्रंट इज फाइनल। सेम एज फॉर द कार्ड बैक, अगर आप इसमें भी किसी तरह का चेंजेस करना चाहते हैं तो गो टू इमेज। अभी आपको सिलेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप सिलेक्शन नहीं करते हैं तो पूरी फाइल पर जो भी आप सेटिंग अप्लाई कर रहे हैं वो पूरी फाइल पर अप्लाई हो रही है। बट इन द केस ऑफ फ्रंट हमने इमेज को सिलेक्ट किया था क्योंकि हम इमेज को इंडिविजुअली सेट करना चाह रहे थे और बैक को इंडिविजुअली सेट करना चाह रहे थे। अब सेम एज इसमें भी आप अपना ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं जिससे कि आप अपने प्रिंटिंग को जो है वो और बेटर कर सकते हैं। बेसिकली प्रिंटिंग को डार्क करने के लिए हम लोग कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा बढ़ा रहे हैं और उसमें कलर डेप्थ लाने के लिए हम लोग ब्राइटनेस को जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं। क्लिक ऑन द ओके बटन। अब आपके पास फ्रंट और बैक दोनों फाइल्स रेडी हैं। इन्हें आप अपने लोकल सिस्टम में एज अ JPG सेव करेंगे और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से इनको जो है वो प्रिंट कर सकते हैं। गो टू फाइल, सेव, चूज JPG। सेव, आपको इसे यहाँ फुल क्वालिटी में सेव करना है। सो इमेज क्वालिटी यहाँ पे 12 और मैक्सिमम रहेगी और प्रेस ओके। अब इसी तरह से हम अपनी बैक को भी सेव कर लेते हैं। सेव एज, राइट क्लिक, ओपन विद PS। सबसे पहले आपको अपनी फाइल को सिलेक्ट करना है। कंट्रोल एन, न्यू फाइल, 86x54, 300 रेजोल्यूशन, ओके। कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी पेस्ट, कंट्रोल टी एडजस्ट द फाइल। डबल क्लिक, सेम, सिलेक्ट द बैक पोर्शन, सेव एज JPG। JPG सेम। अब आपके पास पैन कार्ड की भी दोनों फाइल्स अवेलेबल हैं, आप डायरेक्टली इन्हें सिलेक्ट करके प्रिंटर पे प्रिंट कर सकते हैं। आधार कार्ड को क्रॉप एंड प्रिंट करने के लिए मैं इवोलिस प्राइमेसी प्रिंटर का यूज़ कर रहा हूँ। अब डुप्लेक्स कार्ड प्रिंट करने के लिए आपको दोनों फाइल को एक साथ सिलेक्ट करना है। राइट क्लिक, क्लिक ऑन द प्रिंट ऑप्शन। अब आपको यहाँ पर लिस्ट में से इवोलिस प्राइमेसी प्रिंटर का जो है वो चूज़ करना है। इवोलिस प्राइमेसी प्रिंटर चूज करने के बाद क्लिक ऑन द प्रिंट ऑप्शन। क्रॉप एंड प्रिंट पैन कार्ड डेमो के लिए मैं IDP सॉलिड
510D प्रिंटर का यूज़ करूँगा। आपको दोनों फाइल्स को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक, क्लिक ऑन द प्रिंट ऑप्शन, चूज IDP सॉलिड 510 कार्ड प्रिंटर फ्रॉम द अवेलेबल प्रिंटर लिस्ट, दिस इज द कार्ड फ्रंट कार्ड बैक, क्लिक ऑन द प्रिंट ऑप्शन।